हेलो फ्रेंड्स, निमित मोमेंट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत लंबे ब्रेक के बाद आपके लिए एक यम्मी से पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी लेकर आए हैं। हमने सोचा बारिश का मौसम है तो क्यों ना एक अच्छी सी रेसिपी शेयर की जाए, जो कि है पिज़्ज़ा पराठा की। आप देख सकते हैं ये पराठा कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम हमारा पिज़्ज़ा परांठा बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ले ली है धागे वाले चॉपर में कट करके, और ये मैंने एक शिमला मिर्च ली है, और यहाँ पे साथ में मैंने प्याज ले लिया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले ली है, और फूल गोभी ले ली है। ये मैंने आधा फूल लिया है और इसे भी बारीक चॉप कर लिया है, और यहाँ पे मैंने साथ में मोज़रेला चीज़ ली है, क्यूब्स वाली चीज़ जो है वो मैंने ले ली है। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे और ये सब चीज़ें हम एक बाउल में मिक्स कर लेंगे। ये चीज़ डाल रही हूँ मैं इसमें, ये शिमला मिर्च और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप इसमें वेजिटेबल्स अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल इसमें से हटा सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और वेजिटेबल पसंद है तो आप इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। अब हम इसमें मसाले मिक्स कर देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 स्पून ओरिगैनो की डाल रही हूँ और 1 स्पून चिली फ्लेक्स। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स अवॉइड ही कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ मैं 1 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून धनिया पाउडर एंड 1/2 स्पून गरम मसाला इसमें मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, अगर आपके पास धनिया है तो आप वो भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ये देखिए, अब मेरे इसमें मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ डो प्रिपेयर करके रखा हुआ है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है जैसा हम रोटियों का आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही, उससे हल्का फुल्का टाइट हो। और यहाँ पे मेरा ये स्टफिंग भी तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम परांठे सेकना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम हमारा परांठा बनाना शुरू कर रहे हैं। ये हमने लोई ले ली आटे की, इसे बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना और बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है। अब हम इसे बेल लेंगे, इसे हम फुल साइज में बेलेंगे। उसके बाद इसमें हम हमारी स्टफिंग फिल कर देंगे और साथ में थोड़ा सा घी भी लगा देंगे। हम यहाँ परांठे देसी घी में सेक रहे हैं, अगर आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हल्का सा इसमें सूखा आटा रख देंगे ताकि ये इसकी स्टफिंग खिली खिली रहे। और अब हम ये स्टफिंग इसमें फिल कर रहे हैं। देखिए, ये हम यहाँ काफ़ी स्टफिंग डालकर परांठे बना रहे हैं। तो अब हमने इस पर सूखा आटा लगा लिया, अब हम इसे बेल लेंगे। हमें यहाँ बेलते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें ये बिल्कुल हल्के हाथों से परांठा बेलना है ताकि स्टफिंग इसकी पूरे परांठे में फैल जाए। ये देखिए कैसे ये परांठा कितनी ईजली एक ही बारी में पूरा बड़ा हो गया है। ये देखिए, अब हम हमारा परांठा तवे पे डाल रहे हैं। हमारा परांठा, हमारा तवा पूरा गर्म हो चुका था। तो जब हम परांठा सेक रहे हो तो इस पर हमें घी लगाने का भी बहुत ध्यान रखना है। पहले हम ये साइड में से घी डाल देंगे परांठे के आसपास, और इसके बाद हम इसके ऊपर से भी इसे घी लगाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये कच्चा है अभी तो, लेकिन अगर आप ऐसे घी लगा के देखेंगे तो ये परांठा बहुत ही अच्छा सिकता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। ये देखिए, अब हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अब हम इन्हें पलट कर भी हमने यहाँ घी लगा दिया है। ये देखिए, हमारा परांठा सिक रहा है, और ये सिककर बहुत ही, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा और खाने में तो टेस्टी लगेगा ही। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ परांठों को 4 पीस में कट कर लिया है, और इसके साथ हमने दही रखी है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है और साथ में आम का अचार। अगर आप भी परांठे ऐसे रखकर खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब हम आपको अपना परांठा दिखाते हैं खोल करके, कितना अच्छा लग रहा है, इसकी स्टफिंग कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए, चीज़ भी कितना अच्छा लग रहा है,
और बच्चे तो ऐसी चीज़ों को देखकर वैसे ही उनका खाने का मन करता है, चीज़ वाली चीज़ें देखकर। ये देखिए कितना यम्मी और स्टफिंग पूरे में फैली हुई है। तो आप भी एक बार ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।